सब्सक्राइब कीजिए इस एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए हेलो एवरीवन वेलकम टू एसपी एजुकेशन और पहले तो मैं आप सबको बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कमेंट्स और मैसेजेस और कॉल्स के थ्रू तो आज हम कंटिन्यू करते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था कुछ दिन पहले हम आर्टिकल 19 को डिस्कस कर रहे थे हम फंडामेंटल राइट्स कर रहे थे तो फंडामेंटल राइट्स में हम आर्टिकल 19 डिस्कस कर रहे थे और आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है सो so, आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है उसका मीनिंग क्या है पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब होता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का अपनी ओपिनियंस को रखने का अपने बिलीव्स को दुनिया के सामने लाने का उनको अभिव्यक्त करने का जो राइट right है उसको हम राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का नाम देते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में अब ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो राइट right है वो एक एब्सोल्यूट राइट right नहीं है अब ये एब्सोल्यूट राइट right नहीं है इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हैं ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज करते हुए कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दे जो उसको नहीं करनी है कोई ऐसी इंफॉमेशन जो अगर डिस्क्लोज हो जाती है अगर वो उस इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करता है तो कंट्री को सिक्योरिटी का थ्रेट हो सकता है या किसी को डिफेम कर दे कोई बात एक्सप्रेस करते हुए या कोई ऐसी चीज़ जो नहीं करनी चाहिए वो अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज करते हुए एक्सप्रेस कर दे सो so, इन ऐसी कुछ कंडीशंस के अंदर हमारा जो ये फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो कहीं ना कहीं रीजनेबली रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और इसीलिए कहा जाता है कि जो राइट right है ये एक एप्सलूट राइट right नहीं है और आपका जो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आपका जो फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो सिटीजन को ही अवेलेबल होता है अब इसके अंदर हम एक एस्पेक्ट डिस्कस करने वाले हैं हमारी इस वीडियो में पर्टिकुलरली जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस वेदर फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या प्रेस की जो फ्रीडम है वो आर्टिकल 19 के अंदर कवर्ड uh, है कि नहीं है अब प्रेस क्या होता है uh, प्रेस मतलब द राइट टू पब्लिश वंस ओपिनियन अपनी ओपिनियंस को पब्लिश करने का थ्रू न्यूज थ्रू मीडिया थ्रू न्यूज चैनल तो प्रेस का मतलब होता है मीडिया न्यूज चैनल अपनी ओपिनियंस uh, को पब्लिश करना न्यूज़पेपर में कोई भी चीज आती है तो वो पब्लिश होकर ही आती है तो इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि वेदर राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस राइट ऑफ न्यूज पेपर्स टू पब्लिश द ओपिनियंस ऑफ पीपल्स राइट ऑफ द मीडिया राइट ऑफ ऑफ द द न्यूज़ चैनल्स टू एक्सप्रेस ओपिनियंस पीपल क्या ये सब हमारे आर्टिकल 19 के अंदर कवर्ड है कि नहीं है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें डील करना है जो ये बताता है हमको कि आर्टिकल नाइनटीन वन ए में क्या दे रखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब हम समझ चुके हैं क्या है अब हम आते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस वैसे तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है जो वर्ड है कहीं यूज नहीं हो रखा आर्टिकल 19 के अंदर लेकिन बहुत सारे सुप्रीम uh, कोर्ट की जजमेंट से ये इंटरप्रेट करा गया है कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस होती है मतलब जो मीडिया की जो फ्रीडम है अपनी ओपिनियंस को पब्लिश करने की लोगों के ओपिनियंस को दुनिया के सामने रखने की वो हमारे आर्टिकल नाइनटीन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर ही इंक्लूडेड है तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक्सप्रेसली मेंशन नहीं करती कि कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर राइट ऑफ प्रेस आता है या फ्रीडम टू प्रिंट एंड पब्लिश दी ओपिनियंस आता है मतलब ओपिनियंस को प्रिंट करना और उनको पब्लिश करना जो है वो मीडिया का ही पार्ट है वो कहीं आता है ऐसा डायरेक्टली क्लियरली एक्सप्रेसली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नाइनटीन के अंदर मैंशनड नहीं है पर यह एक सेटल्ड लॉ है बट दिस इज अ सेटल्ड लॉ सेटल लॉ मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कॉन्ट्रोवर्सी जो है ख़त्म कर दी गई है कि राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो आर्टिकल 19 के अंदर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर ही इंक्लूड होता है सो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर इंक्लूड होता है ये एक सेटल लॉ है सेट्रल लॉ का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में ये पूरा क्लियरली हेल्ड कर दिया है ये डिक्लेयर कर दिया है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है uh, के अंदर राइट टू राइट ऑफ प्रेस आता है उसमें क्या आता है उसमें दी पावर टू प्रिंट दी फ्रीडम टू प्रिंट एंड पब्लिश वन ओपिनियन और दी ओपिनियन ऑफ अदर्स ये सब इंक्लूड हो जाता है प्रेस जो है मीडिया आपका है मीडिया हाउसेज़ जो है आपका जो प्रेस है प्रिंट मीडिया या आपका विजुअल मीडिया या कोई भी तरीके का जो मीडिया प्रेस है उसका काम बेसिकली क्या होता है उसका काम उसका रोल बेसिकली सोसाइटी में ये होता है कि जो गवर्नमेंट जो जिस तरीके से फंक्शन कर रही है और जो गवर्नमेंट की जो, जो मेल फंक्शनिंग है जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में फ़्लॉज हैं उनको लोगों के सामने पब्लिक के सामने हाईलाइट करके लाना या फिर कोई ऐसी बॉडी जिसके ऊपर गवर्निंग के गवर्नेंस के फंक्शन है कोई ऐसी गवर्निंग बॉडी जिसके ऊपर लोगों को चलाने का फंक्शन है या गवर्निंग फंक्शन है ऐसी बॉडी के ऊपर उस गवर्निंग बॉडी का भी आ, क्या कहते हैं को भी क्या कहते हैं कि उनका उस गवर्निंग बॉडी के भी फंक्शंस को हाईलाइट करना उस गवर्निंग बॉडी के भी फ्लॉज को फंक्शंस को अच्छी बुरी बातों को पब्लिक के सामने लाना सो so, यही जो है मतलब गवर्नमेंट और गवर्निंग बॉडीज़ के फ्लॉज उनके लैपसेस को हाईलाइट करना जो है ये प्राइमरी रोल है आपके प्रेस का तो यही प्राइमरी रोल जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर इंक्लूड होता है ऐसा बोला गया है अब आ जाते हैं हम कुछ केस लॉज पर क्योंकि हमने जैसे माना कि फ़्रीडम ऑफ प्रेस जो है आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ़ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आ जाती है तो हमने यही बोला था कि इट इज़ अ सेटल्ड लॉ वो सेटल्ड लॉ कैसे है कि कुछ सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स में ये बिल्कुल कॉन्ट्रोवर्सी को ख़त्म कर दिया गया है और ये बोला गया है कि हाँ येस दैट द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल नाइनटीन अंडर द एम्बट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सो वो कुछ केसेस हम दो तीन केसेस अभी डिस्कस कर लेते हैं हमारी इस वीडियो में जो कहता है पहला केस हमारा है बेनेट कोलमन केस बेनेट कोलमन केस इस केस में क्या बोला गया था इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला गया था कि द फ्रीडम ऑफ न्यूज जो न्यूज हैं कोई भी न्यूज़ उनके पास फ्रीडम है कि वो कितने ही भी पेजेस अपने न्यूज़पेपर की एक एडिशन में डाल सकते हैं वो कितने भी लोगों के बीच में अपना न्यूज़पेपर सर्कुलेट कर सकते हैं और उनके पास ये भी फ्रीडम है कि वो अपने न्यूज़पेपर का जो कॉस्ट है वो कितनी रख सकते हैं सो बेनेट कोलमेंट केस में ये हेल्ड किया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट के जो न्यूज़पेपर्स हैं न्यूज़पेपर कंपनीज़ जो हैं उनके पास पूरी की पूरी फ्रीडम है टू रेगुलेट दी नंबर ऑफ़ पेजेस कितने पेजेस वो अपने न्यूज़पेपर के एडिशन में डालेंगे टू रेगुलेट दी नंबर ऑफ़ पेजेस पहला दूसरा ये था कि टू सर्कुलेट अमंग एनी नंबर ऑफ़ पर्सन द न्यूज़ कितने भी लोगों के बीच में जितने भी लोगों के बीच में वो चाहते हैं अपना न्यूज़पेपर सर्कुलेट करना उन सभी के बीच में वो न्यूज़पेपर सर्कुलेट कर सकते हैं तीसरा ये कि दे कैन फिक्स द प्राइज ऑफ ईच एडिशन ऑफ़ द न्यूज़ पेपर एंड ऑल दिस यही यही सारी तीन चीज़ें जो हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इंटेग्रल पार्ट है और इसी वजह से फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो इंक्लूड हो जाता है आपके आर्टिकल 19 की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में सो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो बेनिट कोलमैन केस में भी बताया गया था कि इट इज़ पार्ट ऑफ योर फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अब आ जाते हैं एक दूसरे इंपॉर्टेंट केस के ऊपर दूसरा केस जो है उसका नाम है एक्सप्रेस न्यूज केस। एक्सप्रेस न्यूज केस अब इस केस में यह बोला गया था सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया गया था कि जो प्रेस इंडस्ट्री है उसको आप टैक्स के एम्बिट से बाहर नहीं रख सकते मतलब अगर जो भी न्यूज़पेपर्स वगैरह है न्यूज़पेपर कंपनीज हैं बड़े बड़े मीडिया हाउसेज़ हैं ये सब लोग जो हैं वो टैक्सेशन के एम्बिट में आ सकते हैं तो एक्चुअली वर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के ये थे कि दैट दी प्रेस इंडस्ट्री इज़ नॉट फ्री फ्रॉम टैक्सेशन जो प्रेस इंडस्ट्री है वो टैक्सेशन से फ्री नहीं है ऑल्सो टैक्स जो डाला जाएगा जो इस इंडस्ट्री पे जो प्रेस इंडस्ट्री के ऊपर टैक्स जो लगाया जाएगा वो एक रीज़नेबल अमाउंट होना चाहिए बहुत ज़्यादा अनरीजनेबल या एक्सेसिव नहीं होना चाहिए और वो अनरी और एक्सेसिव इसलिए नहीं होना चाहिए ताकि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को करटेल ना कर दे टैक्सेशन के अंदर तो प्रेस इंडस्ट्री आएगी लेकिन उतना ही टैक्स जो है वो लगाया जाए प्रेस इंडस्ट्री के ऊपर जितना टैक्स जो वो आराम से दे पाएँ और अगर ज़्यादा टैक्स दे दिया जाएगा एक्सेसिव या अनरीजनेबल टैक्स इम्पोज कर दिया जाएगा तो क्या होगा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को करटेल कर दिया जाएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस के थ्रू प्रेस इंडस्ट्री के थ्रू इतना ज्यादा टैक्स ना उनके ऊपर इम्पोज किया जाए कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ही खत्म कर दे राइट ऑफ प्रेस को ही खत्म कर दे इसलिए टैक्स तो लिया जाएगा लेकिन बहुत ही रीजनेबल अमाउंट का टैक्स होगा क्योंकि एक्सेसिव अगर टैक्स हमने इम्पोज कर दिया तो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन राइट ऑफ प्रेस जो है वो कर्टेल हो जाएगा सो so, इसी के साथ हम इस वीडियो को कंक्लूड कर देते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस आता है कि नहीं आता और इसके दो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं वैसे तो बहुत सारे केसेस हैं बट इस वीडियो में कुछ दो लैंडमार्क केसेस ही हमने डिस्कस कर पहला बेनेट गोलम केस दूसरा एक्सप्रेस न्यूज केस और बेनेट गोलमेन केस में ये बोला गया था कि जो न्यूज़ हैं उनके पास पूरी पूरी फ्रीडम है कि वो नंबर ऑफ पेजेस फिक्स कर सकें वो नंबर ऑफ़ पर्सन फ़िक्स कर सके जिसमें उनका न्यूज़ पेपर सर्कुलेट कर रहा है और वो अपने न्यूज़पेपर की कॉस्ट को भी फिक्स कर सके और ये तीनों चीज़ें ही जो है उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं दूसरा एक्सप्रेस न्यूज़ वाले केस में बोला गया कि जो न्यूज़ पेपर्स हैं या प्रेस प्रेस इंडस्ट्री है वो टैक्सेशन के एम्बिट से बाहर नहीं है मतलब कि जो प्रेस इंडस्ट्री है उस पर टैक्स इम्पोज़ किया जा सकता है और टैक्स उतना ही इम्पोज़ किया जाए जो अनरीजनेबल ना हो क्योंकि अगर अनरीजनेबल टैक्स इम्पोज कर दिया जाएगा तो वो अनरीजनेबल टैक्स जो है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को करटेल कर देगा उसको ख़त्म कर देगा ऐसा ना हो इसलिए जो टैक्स है वो रीजनेबल ही होगा तो इस वीडियो में हमने समझा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है अंडर आर्टिकल 19 के अंदर कैसे इंक्लूड होती है आगे की वीडियो में हम ये समझेंगे कि एडवर्टीजमेंट्स या डेमोस्ट्रेशन जो होती हैं और फिल्म जो होती हैं वो क्या आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में इंक्लूड होती हैं अगर होती हैं तो किस एक्सटेंट तक होती हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग आर चैनल एंड कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग थैंक यू